जय जगन्नाथ। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल ऑल इज वेल में। दोस्तों रोड सेफ्टी ट्रैफिक साइन वीडियो की इस सीरीज में हमने पिछले वीडियोस में जो देखा था सब तरह तरह का कैटेगरी का जो ट्रैफिक साइन है उसके बारे में जानकारी ली थी, चाहे रेगुलेटरी साइन हो, कॉशनरी साइन या फिर इंफॉर्मेटरी साइन हो, जितना भी साइन है लगभग सारे हमने कवर कर लिए। फिर मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था और रोड में जो सड़क में चिन्ह लगे हुए हैं तरह तरह के उसको और गहराई में जानेंगे। अखिली वो जहाँ पे लगे हुए हैं उनका क्या पर्पस है, क्या उनकी लोगों से वहाँ पर रोड का सिचुएशन के हिसाब से जो साइन लगे हुए हैं उनको और अच्छी तरह से हम जानेंगे। मेरे पीछे जो हाईवे है वो एक NH है और वहाँ पर जो तरह तरह का जगहों में जो चिन्ह सब लगे हुए हैं, चाहे वो कोई कस्टनरी साइन हो, इन्फॉर्मेटरी साइन हो या फिर कोई एडिशनल साइन हो या फिर रेगुलेटरी साइन हो, उन सब साइन के बारे में आज आपको एक के बाद एक बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं तरह तरह का जो साइन जो रोड पे लगे हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे जो दो ट्रैफिक साइन लगे हैं, एक रेगुलेटरी साइन है और एक कॉशनरी साइन है। जो रेगुलेटरी साइन है वो ट्रैफिक का जो स्पीड लिमिट है वो दर्शाता है। यहाँ पे 20 मेंशन है, यानी कि जो व्हीकल्स का स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर तक का अलाउ है। और यहाँ पे क्यों ये लगाया गया है, इसका रीज़न ये है, यहाँ पे एक कॉशनरी साइन लगा हुआ है जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाजू में एक स्कूल है। तो ये कॉशनरी साइन है और जो रेगुलेटरी साइन है उसमें 20 किलोमीटर पर आवर मेंशन है। ये दोनों एक ही तरह का कॉशनरी साइन है और आगे ये एक यूटर्न का इंफॉर्मेटरी साइन भी है। यहाँ पे यूटर्न को इंफॉर्मेटरी साइन करके दिखाया है क्योंकि आगे वहाँ पे एक दिख रहा है कुछ मार्केट जैसा है, तो वहाँ पे क्योंकि ये एक 2NH है तो दूसरी तरफ आप जाने के लिए ये यहाँ पे जो ये गैप इन मेडियन का कॉशनरी साइन है तो यहाँ पे बीच में जाने के लिए कटिंग है, तो इसलिए यहाँ पे यूटर्न का सिंबल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बाजार जैसा है और इसलिए ये साइन यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हाईवे के ठीक साइड में ये एक बड़ा सा इंफॉर्मेटरी साइन लगा है जो एक डैम है लेफ्ट साइड में दर्शाता है, और ठीक इसके पीछे ये एक कॉशनरी साइन है जो ये दिखाता है कि ये जो है एलिफेंट मूवमेंट एरिया है। यहाँ पे ये कॉशनरी साइन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट्स का मूवमेंट रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया बाजू में है, तो ये थोड़ा सा अलर्ट होके जाने के लिए ये व्हीकल्स को दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कॉशनरी साइन लगा है जो जिसको गहराई से देखने पर पता चलता है ये एक मेजर रोड अहेड कॉशनरी साइन है। ये टी सेक्शन नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो सड़क है, ये छोटी सी सड़क आगे जाके NH से मिल रही है और उससे पहले एक यहाँ पे स्टॉप साइन है, फिर उससे पहले जो अपना रोड ब्रेकर का भी कॉशनरी साइन यहाँ पे लगा हुआ है ताकि व्हीकल जो है थोड़ा स्लो करके लें, ये इम्पोर्टेंट है। मेजर रोड एहेड मीन्स ये जो कॉशनरी साइन है ये छोटी सड़क जाके बड़ी सड़क से मिलता हुआ। यहाँ भी एक इंफॉर्मेटरी साइन लगा हुआ है, ये एक
ब्लू रेक्टेंगल के अंदर देख सकते हैं, ये पेट्रोल पंप का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाता है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में एक पेट्रोल पंप अवेलेबल है, ये उसका साइन है। रोड डाइवर्सन का कॉशनरी साइन तो होता ही है, ये एक कन्फर्मेटरी साइन है, मतलब कन्फर्म करता है कि यहाँ से रोड जो है डाइवर्ट हुआ है। ये देख सकते हैं टू वे ट्रैफिक है, लेकिन किसी वजह से ये जैसे कि यहाँ पे लूज ग्रेवल्स पड़े हुए हैं, अभी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो लेफ्ट साइड वाला रोड है, तो यहाँ पे डाइवर्ट हो गया है एक ही साइड में से दोनों ट्रैफिक, तो इसलिए यहाँ पे एक रोड डाइवर्सन का जो सिंबल जो है लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो साइन है ये एक कॉशनरी साइन है, जो स्टेगर्ड इंटरसेक्शन का साइन है, ये लेफ्ट स्टेगर्ड इंटरसेक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले लेफ्ट साइड से एक रोड निकली हुई है, फिर आगे जाकर राइट साइड में फिर सीधी जाती हुई ये उसके आगे एक लेफ्ट साइड है, यहाँ पे जैसे मार्केट एरिया है तो ये साइन यहाँ पे लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ सीधी सड़क नहीं है, आप जाएंगे इस साइन के आगे लेफ्ट साइड में एक सड़क जाता है और इसके आगे राइट साइड में भी एक सड़क निकली हुई है। यहाँ पे ये कॉशनरी साइन लगाने का मतलब ये है कि जो ट्रैफिक है मेन रोड की NH की, वो उसी हिसाब से कॉशियस हो जाएं और अलर्ट होकर अपना गाड़ी को चलाएं, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट साइड या राइट साइड से दोनों तरफ गाड़ियाँ आ सकती हैं। दोस्तों यहाँ दो तरह का साइन लगा हुआ है, NH इसके बाजू में ये लगा हुआ है, ये पहला जो है इंफॉर्मेटरी साइन, ये बस स्टॉप को दर्शाता है जो रेक्टेंगल के अंदर आता है, और ये जो स्पेशल जो उल्टा ट्रायंगल में आता है ये गिव वे का है, जो बसेस है उनको रास्ता देने के लिए दिखाया गया है, ये एक रेगुलेटरी साइन है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट वगैरह है तो बस भी रुकता है, तो इसके लिए बसेस को वे देने के लिए रास्ता देने के लिए ये जो साइन यहाँ पे लगा हुआ है। तो फिर यहाँ पे एक लेफ्ट साइड रोड, साइड रोड का एक कॉशनरी साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो जगह है यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक रास्ता है, ये जैसे दिख रहा है यहाँ गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को रास्ता है, इसलिए उससे पहले ही ये अपना जो है लेफ्ट साइड रोड का कॉशनरी साइन लगा हुआ है, ताकि जो ड्राइवर जो है इन्हें देख के पहले से जान सकें कि यहाँ पे एक रोड आके जो मुख्य सड़क है NH में मिल रही है, ताकि उधर से जो गाड़ियाँ आने वाले होंगे उनसे पहले ही ये अलर्ट हो जाएंगे। ये जो कॉशनरी साइन है ये आप देख सकते हैं, ये येलो कलर में ये ब्लैक जो लाइंस लगे हुए हैं, ये आपको कई सारी जगहों में दिख जाएंगे। ये दरअसल कोई भी छोटे मोटे पुल या ब्रिज, चाहे छोटा या बड़ा हो, अगर रास्ते में है तो वहाँ पे ये जो है साइन लगे हुए रहते हैं। तो ये मोस्टली आपका जो है ब्रिज या पुल होता है उनको दर्शाता है। ये जो कॉशनरी साइन है राइट हैंड कर्व, यानी कि यहाँ पे जो है मोड़ है, इस रास्ते में आगे इसे मोड़ रही है, जैसे हम देख सकते हैं। इसके अलावा भी थोड़ा गौर से देख के तो एक येलो कलर का और एक साइन यहाँ पे दिखता हुआ यहाँ पे है, और कुछ देर बाद यहाँ पे है, ये भी कॉशनरी साइन है जो ऐसे कर्व को दर्शाता है। लेकिन हम समझ लें कि अगर कर्व बहुत ज़्यादा लंबा होगा और वहाँ पे कंटिन्यूसली दाहिने मुड़ते रहने के लिए ये सिंबल साइन जो है वो दिया गया है, येलो कलर में इसलिए दिया गया, थोड़ा कॉशियस होके थोड़ा ड्राइव स्लो करके जाना है। ये तो सिर्फ मोड़ नहीं है, मोड़ थोड़ा लंबा है, यानी कि तो यहाँ पे ये आगे है, इस जगह में भी है, इसके आगे में भी रहता है, जितना दूर तक ये मोड़ रहेगा उतना दूर तक ये जो साइंस हैं थोड़े थोड़े दूर में लगे हुए होते हैं। तो इनका ये मतलब है कि मोड़ जो है
जो सड़क में जो मोड़ है वो लंबा है, यहाँ तक ये मोड़ रहेगी जिस तरफ रहेगी इस डायरेक्शन में ये दिखाता रहेगा। ये जो कॉशनरी साइन लगा है ये एक जो राइट रिवर्स बेंड कॉशनरी साइन है, ये आप पहले जैसे रोड जो है पहले राइट लेगी लेफ्ट मुड़ते आगे जाएगी, तो इस तरह का साइन यहाँ पर लगा हुआ है और रोड भी आगे कुछ इसी तरह की ही होगी, इसके वजह से ये साइन लगा हुआ है। और ये ड्राइवर जो है इस साइन को देख के पहले से ही उसी हिसाब से अपने रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पीड का जो रेगुलेटरी साइन जो दिखाया है वो 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। ये है एक रेगुलेटरी साइन एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, यानी जो स्पीड लिमिट है जो कंट्रोल में रखा गया था लिमिटेड स्पीड में था वो अभी रेस्ट्रिक्शन हट चुका है। ये इस तरह का साइन है, जैसे हमने पहले ही बताया था ये जैसे कोई फ्लाईओवर या फिर ओवरब्रिज के बाद जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन रहता है वो स्पीड रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए ये सिंबल लगा हुआ है। दोस्तों अब मैं NH से हटकर सिटी के अंदर एक मेजर रोड पर हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे एक ही जगह पर कई सारे साइंस लगे हुए हैं। ये एक स्पीड लिमिट वाला रेगुलेटरी साइन है, 20 लिखा हुआ है, यानी कि बहुत ही धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए ये साइन लगाया गया है। ये समझते हैं 20 किलोमीटर स्पीड में क्यों चलाना है। आगे की जो साइन है वो देखिए, यहाँ पे एक राइट स्टेगर इंटरसेक्शन का बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे पहले आगे जाएंगे तो राइट साइड में रोड जाता हुआ और फिर आगे जाएंगे लेफ्ट साइड में भी रोड है, तो ये यहाँ पे आगे दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ रास्ता मेन मुख्य सड़क से मिलता हुआ है। फिर इसके आगे राइट टर्न का राइट जो अपना है राइट बेंड है वहाँ पे लगा हुआ है राइट टर्न का। उसके बाद फिर ये एक अलर्ट साइन है जो स्पीड ब्रेकर को दर्शाता है। फिर उसके बाद जो रेगुलेटरी साइन स्टॉप सिंबल है, ये कई तरह का सिंबल लगा हुआ है, यानी ये बहुत ही मतलब जो एरिया है काफ़ी बहुत आगे करना है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ भी एक इंफॉर्मेटरी साइन ऑफिस कोई सरकारी ऑफिस वगैरह को दिखाता है, तो ये जगह जो है बहुत ही ये है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी साइन लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। जैसे अलर्ट साइन में हमने देखा है कि नॉर्मली जो छोटे मोटे मोड़ के लिए लेफ्ट कार भी या राइट कार रहता है, लेकिन अगर वहीं सड़क अगर बहुत लंबी दूर तक अगर मुड़ा हुआ हो कर्व अगर काफ़ी लंबा हो तो वहाँ के लिए इस तरह का एक कॉशनरी साइन येलो कलर में एरो मार्क कंटिन्यूसली रहता है, हर 20-25 मीटर की दूरी पर एक एक किया जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे भी नहीं है, ये कंटिन्यूसली यहाँ भी है और आगे भी है, तो इस तरह जो है इसे पता चलता है जो ये मोड़ है ये सिर्फ नज़दीक नहीं है लंबा है, तो ड्राइवर को जो है जो व्हीकल ड्राइवर करता है वो उनको उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है कि जो जो कर्व है वो लंबा है तो उसी हिसाब से वो बाएं मुड़ते ही रहना है और अपना स्पीड जो है उसी हिसाब से कंट्रोल में रखना है, तो इसलिए ये येलो बैकग्राउंड भी दे रखा है इसमें। तो दोस्तों यहाँ दो कॉशनरी साइन लगे हैं, एक तो नॉर्मली हमारा ये स्पीड लिमिट 20 दिखाकर ये बाजू में यहाँ पे एक स्कूल है तो उसके लिए ये भी बच्चों के लिए ये अलर्ट साइन लगा हुआ है, तो ये वाला जो है अपना लेफ्ट रिवर्स बेंड यानी ये आगे सड़क जो जा रही है सीधा ये आगे लेफ्ट मुड़कर फिर वापस राइट मुड़ के फिर सीधे जा रही है, तो इसके लिए ये साइन है यहाँ पर। और ड्राइवर्स जो गाड़ी वाले हैं देख के फिर उसी हिसाब से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं और उसी हिसाब से अपना व्हीकल्स को कंट्रोल में रखते हैं ताकि रोड जो है एक जिगजैग की तरह है, तो उसी हिसाब से अपना सुरक्षा से गाड़ी चलाते हैं।
तो दोस्तों जहाँ भी हमने देखा है ये डी सेक्शन यानी मेजर रोड को या फिर कोई भी रोड को एक दूसरे रोड से कनेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे ये तीन तरह का जो साइन है कॉमनली दिखाई देता है, एक टी इंटरसेक्शन है और दूसरा जो है स्पीड ब्रेकर है और तीसरा जो है एक हेक्सागोनल, माफ़ कीजिए, एक ऑक्टागोनल शेप में जो स्टॉप सिंबल रहता है वो रेगुलेटरी साइन है। तो ये कॉमन ये तीनों रहता है, यानी टी इंटरसेक्शन दिखाता है कि आगे एक दूसरी रोड में आप दूसरी रोड को कनेक्ट करने वाले हो। स्पीड ब्रेकर जो है आपको स्पीड को, आपके गाड़ी व्हीकल के स्पीड को रोकने के लिए, और जो स्टॉप सिंबल है रेगुलेटरी साइन वो आपको रुक के दोनों तरफ देखने के लिए वो सिंबल लगाया गया है, ताकि और कोई गाड़ी ना आती हो वहाँ से, देख के फिर आप उसी हिसाब से जाएं। यहाँ भी एक बिल्कुल हाईवे के बाजू में ये जो बड़ा सा एक इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कई तरह का और इंफॉर्मेटरी साइन दिया हुआ है, वॉशरूम का है, ड्रिंकिंग वाटर, पार्किंग या फिर एसेंशियल शॉपिंग का, या फिर कोई जलपान के लिए जो रहता है उसके इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो इस तरह का इंफॉर्मेटरी जो साइन है वो कई हो सकते हैं, ये एक ही में दे रखा है। और इस तरह का इंफॉर्मेटरी साइन सड़क में इसलिए दे रखा है जो लोग थोड़ा लॉन्ग टूर में हैं उनके लिए ये एक इंफॉर्मेशन का अच्छा सोर्स रहता है। ये जैसे यहाँ पे एक ब्रांच सड़क है, तो यहाँ लेफ्ट मुड़ने के लिए व्हीकल्स यहाँ पे लेफ्ट जब मुड़ते हैं तो इसके लिए ये क्या है, क्योंकि ये हाईवे है तो पीछे से गाड़ियाँ भी आने के थोड़े चांसेस हैं, तो इसके लिए ये जो कीप लेफ्ट का जो साइन है ये एक रेगुलेटरी साइन है, ये यहाँ पे लगाया गया है ताकि जो है आगे जो गाड़ियाँ हैं मतलब यहाँ से दूसरी सड़क से मुड़ने से पहले ही थोड़ा अलर्ट हो जाएं, और इसके लिए यहाँ पे ये दिया गया है। आगे ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सर्विस रोड है जो मेन मुख्य सड़क यानी कि मेन NH में यहाँ मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रोड मर्जर का अलर्ट साइन लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं एक जो सीधी सड़क जो मेन रोड है NH है और उसमें ये छोटी सड़क जो है साइड से उसमें मिलता हुआ, तो इसके वजह से ये रोड मर्जर का साइन लगा हुआ है ताकि मैं मुख्य सड़क में जब कोई गाड़ी वहाँ से आते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे और एक सड़क मिली हुई है और इसमें गाड़ियाँ भी हो सकता है, तो गाड़ियाँ आपस में कोलाइड ना हो और उसी हिसाब से वो अपना स्पीड जो है कंट्रोल कर ले उससे पहले ये साइन को देख कर। दोस्तों तो ये कुछ थे जो रोड और ट्रैफिक साइन जो आज हमने देखा। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि रोड में जो साइन लगे हैं उसको हम ऑन द स्पॉट जाकर देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो ये कुछ जो साइन थे जो हमने देखा, उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और जो है आपका रोड साइन और ट्रैफिक साइन के बारे में जो भी आपका नॉलेज है और भी अच्छा हो गया होगा। तो जो सीरीज के 3-4 वीडियो हैं इनको दोस्तों देखने के बाद, और जो मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए थे वेबसाइट के जहाँ पे आप और इस बारे में और जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उन्हें भी और एक बार देखिए, तो ताकि आपका जो ये नॉलेज है ये और अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।